हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों हुआ क्या है, आज कुछ टाइम से हम बोल सकते हैं मॉर्निंग से बहुत सारे लोग यूट्यूब के या बोल सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर के जो अर्निंग है वो कम हो गई है। अगर ये आपने भी नोटिस करा होगा, मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ है और बहुत सारे या लाखों सब यूट्यूबर के साथ हुआ है। सबके जो अर्निंग है वो काफ़ी कम हो चुकी है। मतलब कि यार, जो जिनकी अर्निंग हज़ारों में है तो उनके $100-200 कम हुए हैं, जिनके $100-200 अर्निंग है मंथली उनके $10-20 या $30 कम हुए हैं। ऐसे करके सभी को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है या सबकी अर्निंग कटी है। ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीज़न है और इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की प्रॉब्लम के बारे में, या बोल सकते हैं यूट्यूब के जो अर्निंग कट हुई है ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको ले जा रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने उतने स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ, डायरेक्ट जॉब पर इशू है। तो वहाँ पर आप देखेंगे जो अर्निंग है लास्ट 20 डेज की, 28 डेज की आप अर्निंग पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आपकी टोटल अर्निंग तो सही हो रही है ऊपर से, लेकिन आपका ग्राफ बाकी सही है और एकदम से सडनली आपका ग्राफ नीचे गया है और फिर ऊपर गया है। आप देख रहे होंगे सेम आपको वहाँ पर दिख रहा है। हुआ क्या है, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 2022 तक जो आपकी अर्निंग है वो लगभग जीरो ही हो चुकी है। आप देख रहे होंगे लगभग जीरो के बराबर ही बता रहा है, मतलब कि आपने उसमें कोई कमाया नहीं। आज से पहले अगर आपने कल देखा होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होगी और टोटल जो लास्ट 20 डेज की अर्निंग होगी वो आपकी प्लस करके अच्छी खासी अर्निंग थी। बट आज देख रहे होंगे आपकी अर्निंग काफ़ी कम हो चुकी है कल के मुकाबले, या बोल सकते हैं अर्निंग कट हो गई है आपको लग रहा होगा। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आप देख रहे होंगे सडनली टॉप हुआ है फिर ऊपर चले गया है, अब जो कंटिन्यू चल रहा है ये सबके साथ हुआ है। तो दोस्तों उसको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आपके साथ नहीं हुआ या फिर यूट्यूब ने आपकी अर्निंग काटी नहीं है। यूट्यूब का क्या है, आपको पता होगा यूट्यूब हर टाइम कोई ना कोई नए फीचर को रोल आउट करता है या बोल सकते हैं नए फीचर के लिए कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। तो उसके चक्कर में छोटा सा बग आ गया या बोल सकते हैं ग्लिच आया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। YouTube 2-4 दिन में उसको रेक्टिफाई कर देगा, हो सकता है 1 वीक में कर दे या हो सकता है आज ही वो कर दे, आपको मेरी वीडियो बनाने के बाद आपको मिल जाए कि वो अपडेट हो चुका है तो अपडेट हो जाएगा और आपका जो भी अर्निंग थी वापस रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। एक चीज़ और दोस्तों, आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम से टैग कैटेगरी के जो अर्निंग है काफ़ी कम हो गई है, आपको दिख रहा होगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग कम होना तो कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं है, ये आपको आपकी जो वीडियो की रीच है थोड़ी कम हो गई है, चक्कर में हो रहा है टेक्निकल कैटेगरीज में। तो आपको क्या करना है, अपनी वीडियोस की ग्रोथ थोड़ी बढ़ाना और अच्छी इंप्रूवमेंट करना है ताकि आप जल्द से जल्द ग्रो कर सकें। दोस्तों ऐसी नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या सही है, आपके भी जो डॉलर हैं वो कम हुए हैं या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि और यूट्यूबर जो भी मेरी वीडियो देखें उन तक भी पता चले कि ये सभी के साथ है। तो लोगों को घबराना नहीं है और आगे अपना काम करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो यार भाई मुझे फेसबुक पे फॉलो करो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।